हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दिलजीत और आज मैं आपको एक चटनी बना के दिखाने वाला हूं। वैसे तो हम पुदीना की चटनी बनाते हैं जो हम सभी स्नैक्स के साथ खाते हैं और या खाना भी खाएं तब भी कुछ लोगों को अच्छी लगती है पुदीना चटनी, लेकिन जो चटनी आज मैं बना के दिखाने वाला हूँ आपको, ये स्वीट भी होगी और स्पाइसी भी होगी और ये भी बनेगी पुदीना से और जो हरा धनिया है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स उससे। ये दो मेन इंग्रेडिएंट रहेंगे इसके और बाकी मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ही अच्छी चीज़, चाहे आप इसे स्वीट एंड स्पाइसी चटनी कह लीजिए चाहे सालसा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। यह स्वीट और स्पाइसी चटनी जो मैं बनाने वाला हूँ, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये सबसे पहले हैं मिंट लीव्स, एक नींबू है आम से थोड़ा बड़ा, उसका जूस डालना है इसमें। ये तीन चार कलियां हैं लहसुन की, दो तीन ग्रीन चिलीज हैं, ये थोड़ा सा मैंने लिया है जिंजर, अदरक लिया है, ये दो मीडियम साइज़ के अनियंस हैं और ये दो मीडियम साइज़ के टमाटोज हैं, और ये जो ग्रीन कोरिएंडर है ये मिंट लीव से डबल क्वांटिटी में है, और साथ में मैं डाल रहा हूँ ये स्प्रिंग अनियन भी। सो इन सभी चीज़ों को मैं एक चॉपर में ब्लेंड करूँगा और ये एक बहुत ही अच्छी पुदीना चटनी, जितनी महीन तो नहीं लेकिन एक बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी जिसे आप ज़रूर खाना पसंद करेंगे। आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। यह मेरा चॉपर है बोरोसिल कंपनी का शेफ डिलाइट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसे यूज़ कर चुका हूँ मैं, एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्वालिटी वाइज, मटेरियल वाइज और परफॉर्मेंस वाइज। सो लेट मी मेक माय सालसा इनटू इट नाउ। सभी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चॉपर में, एक एक करके सभी चीज़ें डालनी हैं और फिर इसे चला के हमने सभी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना है और बन जाएगी ये सालसा या स्वीट एंड स्पाइसी चटनी। जो सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं वो एक एक करके इस चॉपर में डालने हैं, इसे फिर चलाएंगे हम तो सभी चीज़ें एक साथ चॉप हो जाएंगी। ये चटनी उतनी महीन नहीं बनेगी जितनी हम रूटीन में पुदीना चटनी बनाते हैं। सो ये चीज़ें मैंने अभी ऐड कर दी हैं क्योंकि अभी क्वांटिटी ज़्यादा है इसकी, या जब ब्लेंड हो जाएंगी तो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगा। सो अभी इसे एक बार चला के चीज़ों को मैं चॉप करता हूँ। कुछ मटेरियल जो अभी मैंने इसमें डाला है चॉपर में, इसे चॉप करूँगा और फिर उसके बाद जो बाकी सामान बचा है वो भी इसमें मिक्स करूँगा, फिर इसमें मिक्स करूँगा मैं स्पाइसेस। अब पूरे का पूरा जो मटेरियल है वो मैंने चॉपर में डाल दिया है, इस पर मैं अब ये डाल रहा हूँ लेमन जूस, एक नींबू जो मैंने जैसे बताया था बड़े वाला, सो ये डाल दिया मैंने। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, सो ये ब्लैक पेपर पाउडर गया इसमें, नमक स्वाद अनुसार, सो ये क्वांटिटी के हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है, और बाकी मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 टेबल स्पून्स ऑफ शुगर, वो भी आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल लें, शक्कर डाल लें या हनी भी। सो मैंने ये 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाल दी है और ये थोड़ी सी और ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मीठा मुझे बहुत पसंद है। ये जो अब इसका लिड है इसे दोबारा से फिक्स कर देना है और मोटर जाएगी इसके ऊपर दिस वन, और अब इसे चलाएं लाइक दिस। ये सालसा चटनी हो गई तैयार। इस स्टेज पे आप इसका टेस्ट चेक कर सकते हैं, नमक बढ़ाना हो या मीठा बढ़ाना हो तो आप उसके हिसाब से इस जो सालसा मैंने बनाया है इसमें ऐड कर सकते हैं। सो अब इसे मैं बाउल में डाल के दिखाऊंगा आपको, टेस्ट भी चेक करूंगा और अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो उस हिसाब से इसका टेस्ट भी एडजस्ट करूंगा। स्वीट एंड सालसा चटनी जो तैयार हुई है उसे मैं इस बाउल में डाल के रखूंगा फ्रिज में, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जब स्नैक्स बनाऊंगा, चिकन का कोई स्नैक बनाऊंगा या पनीर का बनाऊंगा या मशरूम का, तो उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया जाता है। और वैसे भी जब आप खाना भी खाएंगे या जब मैं अपनी फैमिली को खाना भी सर्व करूंगा तो ये उसके साथ कोई भी खा सकता है। ये मैंने अमृतसर में बनाई, वहाँ भी मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई है, ये जिस जिस को खिलाई है उसे बहुत पसंद आई है। अब बारी है आपकी, इतनी सिंपल सी डिश, एक सिंपल सी चटनी लेकिन हर तरह से फ़ायदेमंद क्योंकि सभी चीज़ें फ्रेश हैं इसमें,
सभी चीज़ें जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी बड़ी इजीली। और ये तैयार है बॉल, इसको अब जैसे थोड़ा सा डेकोरेट करना हो तो ये रखिए एक ऊपर, इसके ग्रीन कोरिएंडर का पीस ये साथ में लगाइए, टमेटोज, और देखिए जब आप इसे सर्व करेंगे एवरीबॉडी विल लाइक इट। टेस्ट तो इसका इतना अच्छा है, यू श्योरली विल बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस। सो ट्राई इट एट योर ओन एंड गिव मी योर फीडबैक। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई एक्सपेक्ट यू टू बी विद मी। सो मुझे बताइए जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोस में आपको वो चीज़ें बना के दिखा सकूँ, या जो भी डिशेस मेरी आपको अच्छी लगती हैं वो आप मुझे बताइए, मैं उनका वीडियो भी डालूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो डिशेज अच्छी लगें उनको ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।